हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। रियलमी ने नया नया नेक बैंड लॉन्च किया है, रियलमी बड्स वायरलेस 2। और ये नेक बैंड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपको बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स के अंदर आपको आपके ईयरफोन मिल जाएंगे, टाइप सी केबल एंड टिप्स देखने को मिल जाएगी, वारंटी कार्ड, मैनुअल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। पूरा सिलिकॉन नेक बैंड आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है बट मेरे हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड डिफॉर्म नहीं होगा, सो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे साइड में मैट प्लास्टिक यूज़ किया गया है एंड राइट पे ही आपको पूरे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। टाइप सी का पोर्ट है, वॉल्यूम रॉकर्स बटन है, मल्टी फंक्शन बटन है एंड ANC बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। ये केबल का क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी थिक केबल है, मतलब जनरली हमें बजट में इतनी अच्छी केबल क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है एंड हल्की सी ब्रेडिंग भी की गई है। ऐसे मैं आपको कैमरा पर तो नहीं बता सकता बट ऐसे हाथ घुमाओ तब जाके पता चलता है हल्की सी ब्रेडिंग करे हुए। अब बात करते हैं टिप्स की। प्लास्टिक के टिप्स मिल जाएंगे, मैग्नेट देखने को मिल जाएगा और मैग्नेट काम करता है कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन का। खोला आपके फ़ोन से पैर हो जाएंगे, वापस लगाया डिसकनेक्ट हो जाएंगे। और एक फीचर है इसमें जिसको आप अलग करो और ये डायरेक्ट आपका कॉल भी आंसर कर देता है रियलमी लिंक ऐप में, आप सेट कर सकते हो उसे। बहुत काम की चीज़ लगी मुझे ये। टिप्स की मैं बात करूँ तो एंगल डिज़ाइन है, आपके कानों में अच्छे से जाके बैठ जाते हैं और फिट भी बहुत अच्छा है। कंफर्ट इस नेक बैंड का मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। 4-5 घंटे तो मैं आराम से इन्हें पहन के रख पा रहा था, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, मस्त चल रहे थे एकदम आराम से, सर्वर पटक लिया नहीं गिरे। डेफिनेटली कंफर्ट के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे है। बात कर लेते हैं कनेक्शन। मैंने जैसे बताया आपको सिर्फ इसे अलग करना है और आपके फ़ोन पे मस्त एक पॉपअप आ जाएगा कनेक्ट करने के लिए। 10-15 सेकंड में तो कनेक्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद हमेशा आपको सिर्फ डिसकनेक्ट हुआ और अलग करना है कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ 5.0 यूज़ किया गया है जो बहुत अच्छा काम करता है। 10 मीटर का रेंज आराम से कवर हो जाता है, 9-10 मीटर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सो डेफिनेटली कनेक्शन में मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं लगे हैं। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए ना तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुँचने में हेल्प करो। अब बात कर लेते हैं ऐप सपोर्ट। यहाँ पे आपको रियलमी का लिंक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप खोला, ऊपर आपको आपके नेक बैंड का बैटरी देखने को मिल जाता है। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मल मोड जैसे नॉइस कंट्रोल्स है उनके बीच में आप स्विच कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे 3 मोड है, बेस बूस्ट, प्लस मोड, जिसके बारे में साउंड क्वालिटी में बात करेंगे, डायनामिक मोड एंड ब्राइट मोड, जहाँ पे आपको वोकल्स बेटर देखने को मिल जाते हैं। ये मोड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो या नेक बैंड से भी एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद ऑटो आंसर, जैसे मैंने बताया नेक बैंड को सिर्फ अलग किया आपका कॉल आंसर कर देगा। यहाँ पे पूरे बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऑफकोर्स वॉल्यूम कंट्रोल छोड़ के। यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन बटन है उसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, सिंगल टैप चेंज करो, डबल टैप चेंज करो, ट्रिपल टैप चेंज करो, टच एंड होल्ड चेंज कर दो। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन बटन है जिसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टैप एंड होल्ड, सब कुछ कस्टमाइज यहाँ पे हो जाता है। सब कुछ कर सकते हो आप इस नेक बैंड पे, सब कुछ मतलब सब कुछ। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी। रियलमी ने यहाँ पे अपना इन हाउस चिप यूज किया है, रियलमी का R2 चिप। हमने जो पुराना बड्स वायरलेस प्रो देखा था 6-8 महीने पहले उसमें R1 चिप था, यहाँ पे R2 चिप है। यह अप टू 25 डेसिबल्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट करता है। ANC इस प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। 13.6 mm के ड्राइवर्स है एंड बेस क्वालिटी 2000 के हिसाब से बहुत अच्छा लगा है मुझे। डेफिनेटली आपको पंची बेस देखने को मिलेगा। ऐप में बेस बूस्ट प्लस मोड ऑन कर दो और अच्छा बेस देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली रियलमी ने यहाँ पे साउंड क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। 25 decibels मतलब पंखे की आवाज़ हो गई या रेफ्रिजरेटर की आवाज़ हो गई, दूर से कोई प्लेन की आवाज़ हो गई, वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। कोई आपके बाजू में बात कर रहा है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। सो ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ डिसेंट है। ट्रांसपेरेंसी मोड मैं बहुत बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बुरा काम भी नहीं करता है, बट मैं पर्सनली इतना यूज़ नहीं करता हूँ। नॉर्मल मोड जो आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है वो आपको नॉर्मल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सोनी LDAC देखने को मिल जाता है। LDAC आपका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। और यहाँ पर भी मैंने जब LDAC ऑन किया मुझे बहुत अच्छा ANC मिला, प्लस बहुत अच्छा बेस देखने को मिला, साउंड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई। सो डेफिनेटली LDAC बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट LDAC का एक डिसएडवांटेज भी है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, LDAC सारे फ़ोन्स में सपोर्ट नहीं करता है, तो भाई पहले ये चेक कर लेना आपका फोन LDAC सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं माइक क्वालिटी, तो ये सुनो। तो भाई ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है रियलमी के बड्स वायरलेस 2। मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे ऊपर फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं गेम मोड। आप इसको नेक बैंड से या फोन से एक्टिवेट कर सकते हो।
अप टू 88 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए नेकबैंड है? नहीं। कैजुअल गेमिंग के लिए? हाँ, आप आराम से इसमें गेम कर सकते हो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो। मुझे ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, तो अच्छी खासी बारिश ये हैंडल कर लेगा। वर्कआउट के लिए जा रहे हो, रनिंग के लिए जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला इसे। डेफिनेटली ये चीज़ इसमें अच्छी है। अब फाइनली आते हैं बैटरी लाइफ। भाई बैटरी लाइफ ना इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल लगा। मतलब रियलमी ने बताया अप टू 22 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। आप अगर वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा जब LDAC बंद होता है विदाउट ANC, कंपनी ने क्लेम किया है 22 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ एट 50% वॉल्यूम। हाँ, अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे या 90 प्लस पे सुन रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 18 घंटे के ऊपर बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया 80 प्लस वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 15 घंटे के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। आते हैं LDAC ऑन करने पर। मैंने आपको बताया LDAC का एक डिसएडवांटेज है और वो है बैटरी लाइफ पे इसका इफेक्ट। विथ LDAC ऑन एंड ANC ऑफ, यहाँ पे मुझे देखने को मिली अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे की बैटरी लाइफ। हाँ, एट 70-80% वॉल्यूम या 80% प्लस वॉल्यूम्स। एंड अगर मैं LDAC के साथ ANC के साथ बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 घंटे की बैटरी लाइफ मुझे यहाँ देखने को मिली है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। आपका दिन निकाल देगी, अगर आपका यूसेज 5-6 घंटा है तो निकाल देगी। पूरा दिन पहन के रखते हो, LDAC पूरा टाइम चाहिए, ANC पूरा टाइम चाहिए, जो जनरली एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आपका एक दिन इस नेक बैंड पे निकल जाएगा। ये एक छोटा सा वीक पॉइंट है इस नेक बैंड का। सो भाई फाइनली वर्डिक्ट, ये 2000 का प्रोडक्ट है, मुझे कैसा लगा? मुझे पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगा। एट 2000 साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग देखने को मिली है। रियलमी लिंक ऐप में भर भर के फीचर्स है, गेम मोड देखने को मिल गया है यहाँ पे। बैटरी लाइफ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है, बट विथ LDAC ऑन ऑफ, ANC ऑन ऑफ, मेरे हिसाब से ओवरऑल आपको 10-12 घंटे का यहाँ पे यूसेज देखने को मिल जाना चाहिए, जो डिसेंट है। आपका काम निकल जाएगा एक दिन का, ऑफकोर्स एक दिन से ज़्यादा नहीं होगा। फास्ट चार्जिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड ये ऑलमोस्ट एक घंटे के अंदर ही अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा है। सो एट 2000 डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और आप हमें बताओ हमें इससे किससे कंपेयर करना चाहिए, हम उसे कंपेयर कर देंगे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 1,00,000 पहुंचने में हेल्प करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर दो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।